हनीप्रीत हुई गिरफ्तार। हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया। पटियाला पुलिस ने किया हनीप्रीत को गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड हनीप्रीत, आखिरकार सामने आ ही गई हनीप्रीत। पापा गुरमीत से रिश्तों का खोला राज। हनीप्रीत की एक्ट्रेस बनने की नहीं थी कोई इच्छा। सात राज्यों की पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुकी हनीप्रीत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजतार हनीप्रीत आखिरकार सामने आ ही गई। बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस टीम को लगातार चकमा देती रही हनीप्रीत। मंगलवार को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देती नजर आई हनीप्रीत। 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद से फरार थी हनीप्रीत, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के साथ सात राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अब आखिरकार सामने आ ही गई हनीप्रीत, जिसने खुद को और बाबा राम रहीम को बताया निर्दोष। न्यूज चैनल्स को दिए इंटरव्यू में हनीप्रीत ने कहा, क्या आप बेगुनाह हो? आपने सिचुएशन खुद देखी है, मैं कहां गुनहगार हूं? मैंने एक बेटी का फर्ज अदा किया कि अपने बाप के साथ अंदर गई। हर बेटी जाती है, हर परिवार जाता है, अपने बाप के साथ अंदर गई। मेरे को आपने कहां बोलते देखा है? हम तो खुशी खुशी गए थे कि सुबह जाएंगे और शाम को अपने बाप के साथ वापस आएंगे। वहाँ जाते ही जब पता चला कि फैसला हमारे उल्टा हो गया है, उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। आपके और गुरुजी के बीच रिश्ते को लेकर क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि रिश्ते में गलत संबंध है? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब एक बाप बेटी के रिश्ते को क्यों छाला जा रहा है। इतना पवित्र रिश्ता होता है, आप बताइए एक बाप बेटी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, उसको उछाला इतनी बुरी तरह से। मेरे मन का डर यही था कि हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटी के रिश्ते को इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी कि एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ नहीं रखता? मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या एक बेटी अपने बाप से लाड़ नहीं लगाती? उन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको कैसे सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, जो कि मेरी इज्जत है? ये इल्जाम आपके डेरे के लोग और विश्वास गुप्ता ने लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? जो डेरे के खास लोग हैं, क्या वो खास हैं? क्या उनको कोई जानता भी है कि वो हैं कौन? विश्वास गुप्ता की बात करते हो, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। अगर आप बेगुना हैं और ये सब जानती हैं, जब दंगे भड़के उस वक्त आप अदालत में थी, तो आपने अब तक पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? आप मेरी कंडीशन समझिए, जिसने अपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवीज बनाई हो, जिस बाप ने उसके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी, देश के लिए एक तो बाप अंदर चले गए, उसके बाद उस पर ही देशद्रोह का आरोप आ गया, तो मैं डिप्रेशन में ही चली गई थी। हमें तो पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मुझे समझ आई, जैसा मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारी चीज जब पापा चले गए तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं आगे भी दिल्ली जाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है तो मैं वहाँ भी जाऊंगी, लेकिन मेंटल स्थिति संभलने में तो टाइम लगता है। डेरे को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि डेरे में नरकंकाल मिले, गुरुजी ने दो लड़कियों का शोषण भी किया, इस पर आपका क्या कहना है? बताइए, नरकंकाल मिले, बातें तो बहुत उछल रही हैं, पर नरकंकाल मिले क्या? पापा की भलाई के लिए कार्य तो किसी को नहीं दिखे। जो दो लड़कियों की बात हो रही है, क्या वो मिली? मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले टाइम में सच सामने आएगा, मेरे पापा बेगुनाह साबित होंगे। इतने दिनों तक आप कहाँ रही, अब आगे क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे और मेरे पापा को कानून पर पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। फॉर एंटरटेनमेंट डेस्क, लकी जगवानी, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।